Assalamu alaikum, welcome back to my YouTube channel. Today our topic is fruit, and we also discuss true fruit and false fruit. सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि fruit actually है क्या. देखें, जब fertilization होती है ना, तो उससे क्या होता है कि ovary और ovule में ना बहुत ज़्यादा changes आ जाती हैं, और ये changes जो हैं ये ovary को convert कर देती हैं fruit में और ovule को convert कर देती हैं seeds में. ठीक हो गया. सो फ्रूट बेसिकली कैसे बनता है कि स्टिमुलेशन आती है, स्टिमुलाई आता है फर्टिलाइजेशन का, चेंजेस हो जाती हैं ओवरी और ओव्यूल में, ओवरी फ्रूट बना देती है, ओव्यूल सीड बना देते हैं. अच्छा, फ्रूट की अगर हम डेफिनेशन पढ़ें तो फ्रूट बेसिकली क्या होता है कि राइपंड ओवरी है जिसमें सीड्स होंगे. राइपंड ओवरी कॉन्टेनिंग सीड्स, जैसे एप्पल का फ्रूट हम देखते हैं, ठीक है, उसमें सीड्स होते हैं. मैंगो में गुठली होती है, सिंगल सीड है. ठीक है, तो फ्रूट एक्चुअली क्या हुआ कि राइपंड ओवरी है जिसमें सीड होगा. अब फ्रूट बेसिकली होते हैं दो तरह के, एक होता है ट्रू फ्रूट, एक होता है फॉल्स फ्रूट. बात करते हैं कि ट्रू फ्रूट हम किसको कहते हैं और फॉल्स फ्रूट कौन कौन से फ्रूट्स ऐसे हैं जो फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं. ट्रू फ्रूट की अगर हम बात करें तो फ्रूट जो है वो बना हुआ है सिर्फ ओवरी से. ठीक है, अगर सिर्फ ओवरी इन्वॉल्व है ना फ्रूट फॉर्मेशन में, तो वो फ्रूट जो होगा उसे हम क्या कहेंगे, ट्रू फ्रूट. फॉल्स फ्रूट कौन सा होगा जिसमें बाकी पार्ट्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व होते हैं, जैसे ओव्यूल इन्वॉल्व हो गया, पेरिक. एंड ट्रू फ्रूट्स हमारे पास एग्जांपल्स कौन सी हैं और फॉल्स फ्रूट कौन से हैं. देखें, ग्रेप है, ग्रेप्स बेसिकली है हमारे पास ट्रू फ्रूट क्योंकि ये ओवरी से बना है, ये ओवरी है, ठीक है, जिसमें सीड्स प्रेजेंट हैं. एप्पल की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास फॉल्स फ्रूट है. देखें, इसमें पेरिक भी इन्वॉल्व है, कोर भी है, सीड्स भी इन्वॉल्व हैं, इसके अलावा फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो भी इन्वॉल्व हैं जो फ्यूज़ होकर स्वेल हो जाते हैं. सो बेसिकली एप्पल जो है ये फॉल्स फ्रूट है.